हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर, वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी जो है NRRMS के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा है, कुछ पोस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको नॉमिनल एक्सपीरियंस पे भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रही है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है इसमें एज लिमिट 23 से 43 है, नंबर ऑफ पोस्ट 52 है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 31,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो गाइस, इस वाली इन दोनों जॉब में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज देखोगे जिसमें एज लिमिट 21 से 43 है, 1110 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने यहाँ पर कर रखा है और ओनली 6 मंथ DCA और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, डाटा एंट्री और इन सब का नॉलेज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो मतलब ये वाला जो क्वालिफिकेशन कई बच्चों के पास हो सकता है, और इसमें BE BTECH वाले जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल है। 25,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी है। डाटा मैनेजर में भी सेम आपका एज लिमिट है, 213 वैकेंसीज अवेलेबल है। ग्रेजुएट डिग्री अगर आपकी है, कंप्यूटर टाइपिंग है और ये सब का नॉलेज आप रखते हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी, अगर आप देखेंगे ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इस MIS रिलेटेड वर्क अगर आपने कर रखे हैं, और BTECH वाले बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल है तो BE BTECH के बच्चे भी भर सकते हैं। 23,000 यहाँ पर सैलरी है। MIS मैनेजर में भी अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री विद 2+ ईयर यहाँ पर अगर आपका है या डिप्लोमा विद 4+ ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तब आप एलिजिबल हो। 348 वैकेंसीज है और यहाँ पे 21,000 के आसपास सैलरी है। BE BTECH के बच्चे भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर ऐसे ही MIS असिस्टेंट में देखोगे तो गाइज यहाँ पे 517 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रेश और एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेशर भी भर सकते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा भर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग भी भर सकते हैं। डिप्लोमा में 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन वाले फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है। 517 वैकेंसीज है। तो सबसे रिलीवेंट वैकेंसीज आपको ये देखने को मिल रही है। 19,650 यहाँ पर आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। BE BTECH के बच्चों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो गाइज ये वाला जो वैकेंसीज है यही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिलीवेंट है, बाकी में एक्सपीरियंस मांगा है तो दैट्स व्हाई इस वाली वैकेंसीज पर आप लोग ट्राई कर सकते हो। MTS की वैकेंसीज, बाकी जितनी भी वैकेंसीज है उसमें ये 10+3+10+2 जो सिस्टम्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के नॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर ऑपरेशन में 717, फील्ड कोऑर्डिनेटर में 698 और फैसिलेटर में 613 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 10+3 यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी बच्चे यहाँ पर भर सकते हैं, प्लस 10+2 में 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाले, बट कंप्यूटर वाले फील्ड से आपका होना चाहिए तो ये इन्होंने यहाँ पर बोला है। एप्लीकेशन फीस अगर आप देखोगे ₹350 जनरल OBC और MOBC कैंडिडेट के लिए, 250 SC ST के लिए, BPL के लिए ₹250 यहाँ पर इन्होंने रखी है। ऐसे ही अगर आप देखो गाइस और भी इन्होंने टर्म्स कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी NRRMSvacancy.in यहाँ पर रहेगी। 16 मार्च 2024 तक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कैंडिडेट को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी फिल कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में गाइस बात करें तो यहाँ पर इनका एक यहाँ पर टेस्ट होने वाला है जिसमें अगर आप देखोगे 1:5 के रेशियो में ये लोग आपको बुलाएंगे ईच वैकेंसीज के हिसाब से। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का 150 मार्क्स का होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 50 मार्क्स का, और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स का आपका होगा। रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ये प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। तो गाइस बाकी भी अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर भी आपको इसके अपडेट में टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग अपने डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करती रहिए। अभी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको मेंशन कर दी है, बाकी PDF आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।